इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां दून में 10 दिसंबर को लगेगा पासपोर्ट मेला। अपॉइंटमेंट शीट लेकर मेले में आना होगा, सेवा केंद्र आने से फीस का करना होगा भुगतान। कुछ ही देर में हो जाएगा आवेदक का नाम, अपॉइंटमेंट शीट लेकर मेले में आना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दून में 10 दिसंबर को लगेगा पासपोर्ट मेला। अपॉइंटमेंट शीट लेकर मेले में आना होगा, सेवा केंद्र आने से फीस का करना होगा भुगतान। कुछ ही देर में हो जाएगा आवेदक का काम, अपॉइंटमेंट शीट लेकर मेले में आना होगा। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अवनीश गुप्ता देहरादून से जुड़ चुके हैं। अवनीश, दून में 10 दिसंबर को पासपोर्ट मेला लगेगा, आप हमें इस मेले के बारे में बताइए और जो भी जानकारी आपके पास साझा कीजिए। देखिए स्मिता, अभी जिस तरीके से पासपोर्ट के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, 10 काउंटरों पर जाना पड़ता था उनको अपने काम के लिए, परंतु उसको देखते हुए अब एक सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है और उनके लिए खुशखबरी भी हो सकती है कि उत्तराखंड में 10 दिसंबर को जो है जो पासपोर्ट मेला है वो लगाया जा रहा है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे जो है उनके सारे काम हो जाएंगे। उसके लिए बाकायदा एक नियम लगाया गया है कि जो आवेदक है उसको अपनी जो ऑनलाइन उसने जो फीस जमा करी है उसकी रसीद और जो एक उसको पर्टिकुलर एक अपॉइंटमेंट मिला हुआ है कि कौन सी डेट को आना है, वो दोनों लेके आना पड़ेगा। उसको जो है एक ही दिन में जो है उसका पासपोर्ट का जो है यहाँ पे आवेदक जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। अब जैसा कि आपने बताया, अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और कुछ ही देर में जो है उनका काम हो जाएगा जो भी आवेदक होगा। जी बिल्कुल, देखिए अश्मिता, जिस तरीके से अगर बात करें, कुछ लोगों को जो है तत्काल में चाहिए होता था कि उनको बाहर जाना पड़ता था, इमरजेंसी होती थी किसी भी बात को लेके, तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है और उनको साथ ही साथ जो आवेदक है अगर उसने जो अपॉइंटमेंट ले रखा है और उसकी फीस जो है वहाँ पे ऑनलाइन जमा है तो उसको उसी दिन जो है उसका पासपोर्ट जो है यहाँ पे सुविधाजनक मिल जाएगा। जी, चलिए, तो कह सकते हैं कि एक नया इनिशिएटिव है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है और सुनने को कि इस प्रकार का इनिशिएटिव सरकार द्वारा उठाया गया और ये प्रदेश के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान देती है ऐसी चीजें जब आती है सामने। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार सरकार जो है जनता के हित की बात कर रही है, लगातार सरकार जो है कह रही है विकास कार्य की बात कर रही है, नए नए जो है ऑनलाइन जो है बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रही है, तमाम चीजों को लेके ये एक पहल भी हो सकती है। जिस तरीके से एक कदम और आगे बढ़ रहा है, उनका कहना था कि जो मोदी का ड्रीम है, मोदी जी का जो ड्रीम था कि वो डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रुपये की बात करें, डिजिटल रुपये की बात करें, सभी चीजों की लेकर, अब जिस तरीके से यहाँ पे जो है ऑन स्पॉट जनता को सुविधा दी जा रही है, ये एक अच्छी पहल जरूर है। जी अश्मिता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको देहरादून से बताई, जहां दून में 10 तारीख से पासपोर्ट मेला लगेगा। अगर आपको भी इस सुविधा का लाभ लेना हो तो इस मेले में जरूर जा सकते हैं, जहां पर जो है अगर पहले से ही आपका अगर फीस जमा हो तो कुछ ही देर में पासपोर्ट आवेदक को मिल जाएगा।